हेलो गाइस, यहाँ देखिए मैंने अपने टेरिस पर लौकी का पौधा लगाया था, तो ये लौकी यहाँ अच्छे से लग गई है। और इस प्रकार से देखिए कुछ यहाँ छोटे छोटे हैं और अच्छे से फल रही है, और कुछ यहाँ देखिए चींटी लगने के कारण ये सड़ गई है। तो इसके लिए हमें समय समय पर फंगीसाइड छिड़कना पड़ता है, नीम ऑयल ये सब छिड़कना पड़ता है। यहाँ देखिए अगर इसकी अच्छे से हम देखभाल करते हैं तो यहाँ से हमें बहुत सारी लौकी हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। मैंने यहाँ देखिए 15x15 के ग्रो बैग में लगाया है, और अब मुझे कुछ ही दिनों में और बहुत सारी लौकियाँ हार्वेस्ट करने को मिल जाएगी। और आगे मैं दिखाऊंगी, यहाँ मैंने इस महीने में भी पालक का बीज बोया था तो अभी ये उग रही है। और साथ में मैंने यहाँ बैंगन भी लगाया है, और यहाँ मैंने अभी छोटे छोटे पोट पर टमाटर इस प्रकार से यहाँ शिफ्ट कर लिए हैं। टमाटर का ये मैंने बीज बोया था, अभी देखिए ये नवंबर या अक्टूबर महीने में ही ये फलने लगेगी। और यहाँ मैंने कद्दू का बीज बोया था तो ये अब अच्छे से उग आई है। देखिए इसे मैं अब 15x15 के ग्रो बैग में शिफ्ट करूँगी। और यहाँ बरबटी है, ये बोड़ी ये भी हो रही है, मैंने बीज बोया था तो अब अच्छे से उग रही है। और यहाँ बैंगन का जिसमें मैंने ये पौधा लगाया, यहीं पे मैंने लाल भाजी भी बोया था तो ये भी अच्छे से हो रही है। इस प्रकार हम अपने टेरिस गार्डन पर फूलों के साथ साथ सब्जियों को भी लगा सकते हैं। यहाँ मेरा टमाटर देखिए 4-5 टमाटर का पौधा जो है बड़ा हो गया है। और यहाँ मैंने इस प्रकार से खीरा 12x12 का ग्रो बैग में इस प्रकार से यहाँ खीरा लगाया है। और मैंने बरसात के दिनों में इन पौधों और सब्जियों को बचाने के लिए इस प्रकार से मैंने यहाँ शेड लगवाया है, और देख सकते हैं आप इसमें इस प्रकार से पुदीना भी लगा सकते हैं। और यहाँ मुझे वेनका का बहुत ही अच्छी तरह से फूल खिलता हुआ मिल गया है। देखिए मैंने छोटे छोटे पॉट पर वेनका के बहुत सारे पौधे लगाए थे, अब सभी खिल रही है। और यहाँ वाइट कलर का भी है और रेड भी है, पिंक भी है। देखिए इस प्रकार से आप भी अपने टेरिस गार्डन पर सब्जियाँ और फूलों को लगा सकते हैं। थैंक यू।